जनपद बदायूं के थाना सहसवान में आज लगभग 11:30-12 बजे के आसपास SHO सहसवान को मुखबिर से जानकारी मिली कि सहसवान थाना क्षेत्र के भवानीपुर के गांव के एक जंगल के पास दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोकशी की घटना के लिए गाय को लाया गया है। इस संबंध में SHO द्वारा तत्काल अपनी टीम के साथ वहां मौके पर पहुंचा गया और मौके पर पहुंचते ही जब घेराबंदी की गई तो इन बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें अपरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जब फायरिंग की गई तो उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम आलम पुत्र यासीन है उसके पैर में गोली लग गई और वो भाग नहीं सका। दूसरा व्यक्ति फायरिंग करता हुआ वह अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से भाग गया। घायल व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और CSC में भर्ती कराया गया, जिसका उपचार चल रहा है और उसके बारे में गहराई से जब जानकारी की गई तो इसके विरुद्ध पूर्व में भी गोकशी के और पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे दर्ज हैं। इसमें और गहराई से छानबीन की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कराते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।